प्रवीण और आप देख रहे हैं जी न्यूज इंडिया। आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार विस्तार से। पंडित दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन को लेकर हुई मीटिंग। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अंतर्गत स्वरोजगार घटक के तहत टास्क फोर्स की बैठक मंगलवार को नगर परिषद सभागार में आयोजित की गई। साथ ही बैंक अधिकारियों के द्वारा लोन के लिए अपना आवेदन करने आए लोगों का साक्षात्कार लेते हुए उनके डॉक्यूमेंट्स की जांच करते हुए उन्हें सूचना करने का आश्वासन दिया गया। आयुक्त बृजेश राय ने बताया कि शहरी गरीबों को रोजगार के लिए बैठक में आवेदकों व बैंकर्स द्वारा साक्षात्कार लिया गया एवं पीएम स्वनिधि आत्मनिर्भर योजना की समीक्षा की गई। आवेदक कोविड-19 के तहत राज्य सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन किया गया। साक्षात्कार के लिए आने वाले मास्क एवं सैनिटाइजर कर उचित दूरी का ध्यान रखा गया। शरीर परमेश्वर का दिया हुआ एक अनमोल तोहफा। और इस शरीर की देखभाल करना हमारा कर्तव्य है। जैसे पेड़ों के लिए पानी जरूरी है, वैसे ही शरीर के लिए योगा। पत्नी के साथ मारपीट करने वाले आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने को लेकर पीड़ित परिवार सहित ग्रामीणों ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। मकान विवाद के चलते गांव में ही रहने वाले राव जाति के एक परिवार के सदस्यों ने मारपीट करते हुए जान से मारने की धमकी दी। पाली के समीप दयालपुरा गाँव का मामला। पाली के समीप दयालपुरा गाँव में मकान विवाद को लेकर पत्नी के साथ गाँव के ही एक परिवार के सदस्यों ने पीड़ित पत्नी के साथ मारपीट करने पीड़ित को जान से मारने की धमकी दी। पीड़ित पक्ष एवं ग्रामीणों ने आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग करते हुए ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में पीड़ित जितेंद्र पटेल ने बताया, मकान जितेंद्र मोलियो जैन पाल 3 साल पहले की बात, वो राम ने ही 14 ईसा बिलवानी होते तो उन्हें बाहर निकाला वास्ते क्यों भाई थे तो मैं सो दूंगा क्यों करना आप सुना उन्होंने बासी की अच्छा उन्होंने कोई इसलिए हाथ आने दिन नहीं आए तो कोई मार की मामला क्या है। मेरा नाम जितेंद्र पटेल है, मैं दयालपुरा रहता हूँ। मैंने जैन इंदर सिंह जी से एक मकान खरीदा था 3 साल पहले, उसमें एक चौकीदार तरीके राव परिवार को रखा हुआ था। तो वो हम हमेशा जब भी गांव आते हमारे साथ मगजमारी कर रहा था और हम हमारे घर में थे, मैं यहाँ पाली आया हुआ था। मेरी वाइफ के साथ भी उन्होंने बहुत मारपीट की, मेरे बच्चे के साथ भी मारपीट की और आदमियों को भी साथ में ला के दादागिरी करते और हमेशा मेरी माँ को मारने की धमकी दे रहे और बोलते हैं कि तेरे को पाली में देख लूँगा, तेरे को यहाँ रहने नहीं दूँगा। मैं जब थाने था सदर तो वहाँ भी 40-50 लोगों को लेके आए और मुझे जान से मारने की धमकी दी थाने के अंदर। मुकदमा दर्ज हम सदर गए थे लेकिन सर हमारा लिया नहीं था, बोले के बाद में करते हैं ऐसा बोला था। तो झगड़े का वजह क्या? कोई मकान है वो बोल रहा है कि मैंने जैन परिवार को पैसे दिए थे पहले के, तो अब वो क्या दिया वो बोले जैन परिवार, हमने ग्रामीणों को भी सबको इकट्ठा किया था गांव में, उन्होंने उनको बोल के समझाने की भी कोशिश की लेकिन वो पार्टी मानने के लिए तैयार नहीं है। उनके पास हम लोग एसपी साहब को मिलने के लिए आए और हमारी वाइफ को जो उन्होंने मारा है उनके बारे में बात करने के लिए आए, तब हमारे न्याय दिलाओ। शरीर परमेश्वर का दिया हुआ एक अनमोल तोहफा। और इस शरीर की देखभाल करना हमारा कर्तव्य है। जैसे पेड़ों के लिए पानी जरूरी है, वैसे ही शरीर के लिए योगा।
बरसात के चलते रेलवे अंडर ब्रिज में भरा पानी, आवागमन का रास्ता हुआ बंद। अंडर ब्रिज पार करते समय बीच पानी में 4 फुट पानी, फंसी कार। बड़ी मुश्किल के साथ स्थानीय लोगों के द्वारा कार को निकाला बाहर। पिछले कई सालों से समस्या जस के तस बनी हुई है। रेलवे सहित कई विभागीय अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों को समस्या से करा चुके हैं अवगत। हर साल बरसात के समय में होती है समस्या। पानी निकालने के लिए नगर परिषद ने लगाया पंप, वह भी हुआ फेल। पाली के हिम्मत नगर रेलवे अंडर ब्रिज का मामला।